सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। श्री माता वैष्णो देवी के भक्तों को नए साल से भैरव घाटी रोपवे का उपहार मिलने वाला है। रोपवे के शुरू होने पर उन्हें श्री माता वैष्णो देवी भवन से भैरवनाथ मंदिर तक कठिन चढ़ाई से निजात मिलेगी। रोपवे से मात्र 3 से 4 मिनट में पावन भवन से सीधे भैरव घाटी पहुंचा जाएगा। इसमें प्रति एक घंटे में 800 यात्रियों को भवन से भैरव मंदिर तक ले जाने की क्षमता होगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से लगभग सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और जल्द ही माता के भक्तों को ये सहूलियत मिलने वाली है। एक भवन पे बसे वैष्णो, एक भवन पे बसे वैष्णो, एक पे मात जवाला, एक पे मात जवाला। चांद सितारे आए वहां से लेके रोज उजाला। जय हो मात वैष्णो, जय हो मात जवाला। श्री माता वैष्णो देवी के भक्तों को नई सौगात मिलने वाली है। श्री माता वैष्णो देवी जी के पावन भवन से भैरव घाटी तक की दुर्गम चढ़ाई पूरी करने में अब बस महज 3 मिनट लगेंगे। चांद सितारे आए वहां से लेके रोज उजाला। जय हो मात वैष्णो, जय हो मात ज्वाला। जल्द ही पैसेंजर रोपवे प्रोजेक्ट का काम संपन्न हो जाएगा। इसके बाद भैरव जी के दर्शन और आसान हो जाएंगे। भवन से यहां पैदल पहुंचने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिमरनदीप सिंह ने भवन में यात्री रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। प्रोजेक्ट लगभग पूरा होने के करीब है। इसमें प्रति एक घंटे में करीब 800 यात्रियों को भवन से भैरव मंदिर तक ले जाने की क्षमता होगी। रोपवे का प्रति श्रद्धालु सिर्फ 100 रुपए किराया देना होगा। रोपवे के कई परीक्षण हो चुके हैं जो सफल रहे हैं। अब श्राइन बोर्ड संबंधित कंपनियों से एनओसी लेने के इंतजार में है। माना जा रहा है कि नए साल या उससे पहले ही श्रद्धालुओं को पैसेंजर रोपवे का तोहफा मिल सकता है। सीईओ ने बैठक में अधिकारियों के साथ रोपवे प्रोजेक्ट के लिए टिकट वितरण के लिए प्रशिक्षण प्राप्त स्टाफ की तैनाती, कतारों का प्रबंधन, दिव्यांग और सीनियर सिटीजन के लिए सुविधाएं, सीसीटीवी कैमरा, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और अग्निशमन उपकरणों को लगाने के साथ साथ आपात स्थिति और बचाव कार्यों के लिए मॉकड्रिल जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया। मनोकामना भवन की छत पर बनाए गए वेटिंग हॉल और टिकट सेंटर का भी सीईओ ने जायजा लिया। रोपवे प्रोजेक्ट में रैंप को बेहतर तरीके से तैयार करने के निर्देश दिए गए ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। भवन से भैरव घाटी तक की 3 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई के कारण सभी श्रद्धालुओं के लिए भैरव घाटी पहुंचना संभव नहीं होता था। अब सभी के लिए ये सफर सुगम होगा। 75 करोड़ रुपए की रोपवे योजना पर स्विट्जरलैंड और भारत की रोपवे कंपनियों ने काम किया है। ज्यादातर मशीनरी स्पेयर पार्ट स्विट्जरलैंड से मंगवाए गए हैं। साल 2013 में इसका काम शुरू हुआ था। रोपवे पर 2 केबल कोच लगे हैं। जल्द ही इसकी शुरुआत होने से भक्तों की राह और आसान हो जाएगी। कटरा से राजेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। भंडार बड़े।